बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें कैसे हैं आप सब लोग, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो मैं रात भी सारी रात परेशानी में गुजर गई, क्योंकि मेरी बेटी जो थी वो अचानक बीमार हो गई थी। उसके बहुत ही ज़्यादा मोशन और वॉमटिंग शुरू हो गई थी और वो स्टमक पेन थी, तो मैं सारी रात सो नहीं सकी थी, परेशान थी। तो इसलिए फिर सुबह बच्चों ने, दोनों बेटों ने भी जो ट्रिप पे जाना था, इस वजह से मैं परेशान थी। मैं तो भेजना ही नहीं चाह रही थी। तो सुबह उठ के जल्दी जल्दी मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता बना के इनको मैं छोड़ने के लिए फिर चली गई। मैंने कहा मैं खुद छोड़ के आऊँगी इनको स्कूल। तो मैं छोड़ने के लिए गई स्कूल और इनको अल्लाह हाफ़िज़ कहने के लिए मैंने कहा चलो देखे आऊँ स्कूल में। इनकी जो वैन वगैरह थी वो तैयार खड़ी थी और इनको मैं बैठा के उधर सर लोगों के हवाले करके तो फिर मैं वापस आई। माशाल्लाह से बच्चे सारे तैयार थे और टीचर्स इनकी ग्रुपिंग करके इनको बैठा रही थी बस बस में। तो फिर मैंने सारा दिन ऐसे ज़रा के नात वगैरह पढ़ के, या मुहम्मद मुहम्मद मैं कहती रही नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाती रही आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। कौन है जो तलबगार जन्नत नहीं, ये भी तसली में जन्नत है बागे हसी। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। तो मैंने सारा दिन बस इसी तरह से गुजारा के बच्चे नहीं थे तो छुट्टी के टाइम भी नहीं आए, तो बड़ी परेशान थी मैं, पढ़ती रही उनके पीछे। मैंने कहा चलो अल्लाह खैर वाफियत से उन्हें ले आए। मैं भेजने के लिए राज़ी ही नहीं थी, तो उनके बाबा ने ही उन्हें भेजा था। फिर मैंने सालन बनाया, बस बेदिली से ही सालन बनाया था। मेरा सालन बनाने का मूड नहीं था तो बस मैं पहले लेटी रही, लेटी लेटी ने मैंने बस वो नात पढ़ी। कभी नात पढ़ लेती थी, कभी दुरूद शरीफ पढ़ लेती थी, तो कभी बस कुछ ना कुछ पढ़ पढ़ लेती थी कि मेरा ध्यान बटा रहे। शाम के लिए मैंने जल्दी जल्दी सालन बनाया और बना के फिर मैंने कहा कि सालन बना लूँगी, फिर ले के भी आना है उनको। तकरीबन उनकी वापसी जो थी ना वो 6:30 बजे तक थी, 6:30 साढ़े 7 बजे तक। तो इसलिए भी मैंने जल्दी जल्दी सालन बनाया। तो सारा दिन मैंने बस इसी तरह गुजारा था परेशानी में, क्योंकि बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो सालन माशाल्लाह से मेरा तैयार हो गया था, इसको मैंने इसकी बुनाई कर ली थी और इस तरह से बस बनाया था बेदली के साथ। तो मुझे बस पसंद भी नहीं आया बस में मुझे भी। तो घर में अगर कोई परेशानी हो तो बंदा सही तरह से खाना भी नहीं बना सकता। इस तरह मैंने ना जल्दी जल्दी से बस बनाया और साथ में मैंने वो वॉमटिंग वाले और उसके कपड़े जो थे वो भी साफ़ किए। खाना सालन बन चुका था, साथ में मैंने रोटियां भी बनाई। और फिर रोटियां बनाने के लिए मैंने चूल्हे को ऑन कर लिया था, जो दूसरा था इलेक्ट्रिक चूल्हा, उस पर मैंने पेड़े बना के एक पहले ही रख लिए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना ली थी उनके लिए, जो बाकी घर वाले थे बच्चों के लिए। मैंने कहा जब आएंगे तो उनको गर्म गर्म बना दूंगी तो फिर खा लेंगे, क्योंकि उनको लेने भी जाना था। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी आ जाएंगे तो फिर मैं और उनके बाबा लेने चले जाएंगे, क्योंकि मैं शिद्दत से उनका इंतज़ार कर रही थी। मुझे काफ़ी बस पहली दफ़ा वो घर से इस तरह अकेले गए हैं, मैंने कभी नहीं भेजा उनको, कभी भेजती नहीं हूँ मैं उनको ट्रिप पर इस तरह। पहली दफ़ा बस उनके बाबा ने भेजा है, मैं तो कभी भी इस तरह राज़ी नहीं होती कि बच्चे अकेले जाएँ कहीं। तो फिर वो चले गए बस ज़िद करके अपनी, और उनके पापा ने भेज दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फ़ोन किया था पीछे एक दो दफ़ा, उनके सर से पूछा, उनके टीचर से पूछा कि कैसे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि तसल्ली दी कि नहीं बच्चे ठीक हैं, माशाल्लाह से खेल कूद रहे हैं। और मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे मैंने एक दफ़ा वीडियो कॉल भी की तो माशाल्लाह से ठीक थे।
बस इस तरह से सारा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा और खाना वगैरह भी बन गया था। फिर मैंने कॉल की और कॉल करके पूछा कि आप लोग वापसी कब तक निकल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह तकरीबन 6:45 तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से बस घर वालों के लिए, बाकी जो लोग थे उनके लिए खान रोटी बनाई और उनको दी। तो माशाल्लाह से फिर मैं हम मगरब की नमाज़ पढ़ के तो जल्दी से मैं उनको लेने के लिए चली गई। तो मैंने अगर थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ा तो फिर उधर जाके कर लेंगे, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था और स्मोग भी आ रही थी। बस अल्लाह अल्लाह करके हम उनके स्कूल तक पहुंच गए, और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी थी, इस वक्त ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है। तो स्कूल पहुंचते ही उधर बस हमें 10 मिनट ही रुकना पड़ा, तो फिर बच्चे आ गए, पहुंच गए। बच्चे भी बहुत खुश थे और हम भी बहुत खुश थे माशाल्लाह से कि बच्चे वापस खैर वाफिया से सब बच्चे जो थे वापस आ गए थे। फिर बच्चों बहुत खुश हुए माशाल्लाह से, तो माशाल्लाह उन्होंने वहाँ बहुत सारी पिक्स बनाई। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। भी ले सकते हो खाली खाने के लिए अगर चाहे तो, किसी को गेम से अगर डर लग रहा है। Seven MGC, sen gibi.